नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञानवर्धक बातें। जो व्यक्ति मन लगा करके सुन लेता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे यूट्यूब चैनल जीवन ज्ञान गंगा में। दर्शक बंधु, आज मैं आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है आप हमारी वीडियो के समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर हमारे साथ बने रहें। दर्शक बंधु, बहुत पुराने समय की बात है, किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े दिल और जान से चाहते थे। भक्तों, नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की चिड़िया थी। अपने पति से वह हर समय पर कुछ ना कुछ पूछती ही रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे पियाजी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। पिया, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। मित्रों, जब नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों के लिए सुनता है, तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना ज़्यादा व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? ये सुनकर के नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया, कोई एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर के मेरे मन के लिए कुछ ना कुछ शांति जरूर ही मिल जाए। साथियों, इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई के लिए अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेगा आखिर मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है और किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है और गरीबी का कारण क्या होता है। आखिर ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के चुंगल में फंस जाता है। ऐसे ही कई एक सवालों के जवाब तुम्हें आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसीलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुनकर के कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी के लिए बड़े आसानी के साथ में दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। इसीलिए प्रिय, आज की इस कहानी के लिए तुम बड़े ध्यान लगा करके और मन लगा करके सुनना। नीलकंठ की पत्नी कहती है, पियाजी, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी के लिए प्रारंभ करो, मैं पूर्ण श्रद्धा और भाव से आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी के लिए सुनूंगी और इस कहानी में बताई गई 8 बातों पर मैं जरूर ही अमल करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र होता है और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो रोहित रख देता है और पुत्री का नाम माया रख देता है। इधर धीरे धीरे रोहित और माया बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे करके जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है, तो किसान के लिए अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लग जाती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहाँ पहुँच करके एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह किसान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार से माया अपने पिता के यहाँ से विदा होकर के अपने ससुराल के लिए चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपने बहु बेटों के साथ में रह करके आराम से व्यतीत करूँगा। दर्शक बंधु, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है
कि हे प्रिय, ईश्वर की लीला जो है वो बड़ी ही निराली है। परमात्मा ना जाने कब किसके लिए अमीर बना दे और कब किसके लिए गरीब बना दे, इसके बारे में और कोई नहीं जानता है। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दर्शक बंधु, एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत के लिए देखता है, तो अपने पिता की ऐसी हालत को देख करके वो बेटा बहुत ही ज़्यादा दुखी अर्थात हताश निराश हो जाता है। और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टर वैद्य हकीमों पे इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर के आता है। इस प्रकार से अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान के बीमारी में किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं पहुंचाती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटा के लिए अपने पास में बुलाता है और अपने बेटा रोहित को समझाते हुए कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई समस्या मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका मौके पर कोई भी निवारण नहीं मिल सके, तो फिर ऐसे समय में उस समस्या के लिए ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे तो संसार को छोड़ करके जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी के लिए तुम आगे के लिए बढ़ाओ। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहित एकदम से चुप हो जाता है। आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर कहता है, हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा करिए। उसके बाद में वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रोहित अपने पिता का पूरी रीति और रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहित का घर द्वार और खेत खलिहान तो पिता की बीमारी में पिता के इलाज में पहले ही बिक चुके थे, और जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से रोहित एकदम दीनहीन और बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब रोहित एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है, तो वह गांव के बाहर अपने पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बना करके रहने लग जाता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट पालने लग जाता है। उधर रोहित की बहन माया, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। वो मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरी ससुराल आता है, तो उसे देख करके मेरी देवरानी और जिठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। इस कारण से माया अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो माया अपने भाई के लिए अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर पर जाती है। माया के भाई इधर रोहित को भी ये अच्छी तरीका से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए रोहित भी अपने बहन की ससुराल कभी भी नहीं जाता है। इस तरीका से माया तो बड़े ऐसो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इधर रोहित मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी के साथ रह करके किसी तरीका से अपने दिनों के लिए काटने लगता है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए आगे कहानी सुनाते हुए कहने लगता है कि हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो कुछ साल गुजरने के बाद में एक दिन रोहित की बहन माया के लड़के की शादी तय हो जाती है। लेकिन रोहित की बहन माया अपने भाई के लिए किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं देती है। दर्शक बंधु, जब इस बात का पता रोहित के लिए चलता है,
कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर के रोहित बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला के लिए बताता है कि मेरे बहन की लड़के की शादी है और हम सभी के लिए माया के ससुराल चलना होगा। जब रोहित की पत्नी के लिए इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह भी इस बात को सुनकर के खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने ही सही, कम से कम मैं अपनी ननद से तो जाकर के मिल लूँगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती है कि पियाजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भांजे की शादी है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर ही चलूँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहित बिल्कुल ही चुप हो जाता है। फिर रोहित अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, मुझे भी ये खबर किसी दूसरे के मुँह से पता चली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तो हमारे बहन के ही बेटा। शीला अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, वो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के ससुराल जाना मुझे ये सब उचित नहीं लगता है और आपके लिए भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब रोहित अपनी पत्नी के लिए समझाता है कि हे प्रिय, माया के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भेजा हो लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया हो। इसीलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोचा विचारी मत करो, बच्चों के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम माया की ससुराल चलो। अपने पिया की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है कि पियाजी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना न्योता के, बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के रोहित कहता है, ठीक है सुशीला, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ में घर पर ही रहना, तो फिर मैं ही अकेला माया की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन के लिए बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई अपने इकलौती बहन की शादी में भी नहीं आया। और यह कहकर के रोहित घर से बाहर चला जाता है। लीलकंठ आगे अपनी पत्नी को ये कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, रोहित जो था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और निर्धन था, किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माया और अपनी भांजी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। इधर पैदल चलते चलते रोहित के लिए सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वो अपने बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर के अपनी बहन के आने का इंतजार देखने लगता है। तभी माया के जेठानी की नज़र रोहित पर पड़ जाती है और वह रोहित के लिए पहचान लेती है। रोहित को देखने के बाद माया की जेठानी जाकर के माया के लिए बताती है कि हे माया, आज तेरा भाई आया है और तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब माया इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों के लिए सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे दीदी, यदि तुमने मेरे भाई के लिए देखा है तो मुझे बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं? तो उसी समय पर माया की जिठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है और दरवाजे पर खड़ा हुआ तुम्हारा आने का इंतज़ार कर रहा है। यह सुनकर के माया गुस्से में भर आती है और सभी की नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास में पहुँचती है। इधर रोहित जब अपनी बहन माया के लिए अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देख करके रोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद में माया अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर के पूछने लगती है कि हे भैया, तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था? तब रोहित कहता है, बहना,
तुमने तो अपने भाई के लिए बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर के आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के माया कहने लगती है कि हे भैया, तुम्हें इस तरीका से बेशर्मों की तरह मेरे घर पर नहीं आना था। तुम इस तरीका से फटे पुराने कपड़े पहन कर के मेरे घर तक चले आए, कम से कम तो अपनी नहीं मेरी इज्जत तक का तो ख्याल किया होता। कम से कम तुमने मेरे मान और सम्मान का ख्याल किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माया के मुख से ऐसे कट्टू वचन सुनकर के उस मजबूर भाई रोहित का कलेजा जो था वो छलनी हो जाता है। तब रोहित अपनी बहन के कदमों में गिर करके माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, तुम मुझे आज क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आज तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरे वजह से इतनी आहत होगी, इतनी हताश निराश होगी, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। बहना, मैं तो ये सोच कर के आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा, तो मेरी बहन के लिए मेरी बहन की देवरानी जिठानी ताने मारेंगी। रोहित की जब बातों को सुन करके माया का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है तो माया रोहित से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल करके सुन लो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना, और भूल कर भी तुम इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना। जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में लेकर आ जाऊंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। तब रोहित कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारी ससुराल से अपने गाँव के लिए चला जाऊँगा, लेकिन बहना तुम इन कपड़ों के लिए तो रख लो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब माया अपने भाई से कपड़ों को लेकर के कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रोहित उस अंधेरे के कमरे में बैठकर अपने बहन के वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। साथियों, इतनी कहानी सुना करके नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पियाजी, बड़ी ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ ना, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब नीलकंठ कहानी के लिए आगे बढ़ाते हुए कहता है, हे प्रिय, इधर तो रोहित उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि आज मेरी बहना मुझे भोजन के लिए लौट कर के वापस आती होगी, आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता है कि मेरी माँ का जाया भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। दर्शक बंधु, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है भूख प्यास की वजह से रोहित छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी ख़राब होने लगती है। तब रोहित अपनी बहन के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ के लिए और कोई नहीं सुनता है। इस तरीका से रोहित के लिए उस अंधेरे के कमरे में पड़े हुए दर्शक बंधु एक नहीं तीन दिन बीत जाते हैं। इधर रोहित के लिए अपने बीवी और बच्चों की बड़ी ही याद सताने लगती है। रोहित सोचता है, यदि कोई इधर नहीं आया तो मैं तो बंद इसी कमरे में ही मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी और बच्चों का भला क्या होगा। मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा। दर्शक बंधु, रोहित इधर यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से माया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। जब रोहित के कानों में माया की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो रोहित अपनी पूरी ताकत लगा करके उस कमरे के दरवाजे के लिए पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कानों में उस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पहुँचती है तो वह दरवाजे के लिए खोल करके देखती है और रोहित से पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था। रोहित इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा रोहित से पूछती है तो रोहित ये बात तो छुपा लेता है कि मेरी बहन माया ने ही मुझे इस कमरे में बंद किया था।
उसकी जगह पर झूठ मूठ का कह देता है और कहता है, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से इस दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद होकर के अकेला छटपटा रहा था। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे तो प्राण फकेरू ही उड़ जाते। और इतना कहने के बाद रोहित घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर की सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा रोहित अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आता है और चलते चलते अब तो रोहित के लिए चक्कर आने लगते हैं। दर्शक बंधु, जैसे ही रोहित का सिर चकराता है और वह उसी समय पर जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ रोहित के गिरने से पहले ही रोहित के लिए संभाल लेती है। दर्शक बंधु, जब कुछ घंटे बाद रोहित के लिए पुनः दोबारा होश आता है तो रोहित अपने के लिए क्या देखता है, वह एक बूढ़ी माँ की गोदी में लेटा हुआ है और बूढ़ी माँ एक बेजना लेकर के पंखा लेकर के उसकी हवा कर रही है। होश आने के पश्चात रोहित खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी माँ के लिए प्रणाम करता है और कहता है, हे माँ, आप भला कौन हैं। दर्शक बंधु, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम लेता है और विश्राम करने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए इससे बची हुई आगे की कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ आगे कहता है, सुनो प्रिय, कि जिस बूढ़ी माँ की गोद में वो बेचारा रोहित लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ एक देवी माँ होती है। इधर रोहित की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण तरीका से श्रद्धा भाव से देवी माँ की सुशीला भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रोहित चक्कर खाकर के गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल देवी माँ प्रकट होकर के रोहित को जमीन पर गिरने से बचा लेती हैं और रोहित का सिर अपनी गोदी में रख करके उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब रोहित के लिए होश आता है तो रोहित देवी माता के लिए प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर वो बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर तुम कहाँ के लिए जा रहे हो। तब रोहित बताता है, हे माँ, मेरी भनेजी की शादी थी, इसी वजह से मैं अपने बहन के ससुराल गया था और अब मैं लौट कर के वहीं से आ रहा हूँ और इधर मेरा गाँव है, मैं अपने गाँव के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माँ रोहित से कहती है, हे बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब रोहित कहता है, पूछो मैया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। तब बूढ़ी माँ पूछती है, हे बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा कि तुमने बताया कि वहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम लौट कर के खाली हाथ कैसे जा रहे हो। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा। बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के रोहित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और रोहित उसके बाद में उस बूढ़ी माँ अर्थात देवी माँ से कहता है कि हे मैया, अब भला आपसे क्या छुपाना, आपने तो मेरे प्राणों की सुरक्षा की है। तब रोहित उस बूढ़ी माता के लिए पूरी घटना बता देता है जो उसके साथ में हुई थी। इस प्रकार से रोहित के मुँह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वो बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के भांति भांति के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर के बेटा अपना पेट भर लो, क्योंकि बेटा तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपने बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। और जब तुम्हारे बीवी बच्ची जब भी तुमसे पूछें कि तुम अपनी बहन की ससुराल से भला क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से भी बच जाओगी और इससे तुम्हारा मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। रोहित इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों के लिए सुनता है तो उस बूढ़ी माँ की बात मानकर के रोहित बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुँच जाता है, क्योंकि बंधु उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रोहित वृक्षों से फल तोड़ करके खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में रोहित उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेने के बाद में अपने घर के लिए चलने लगता है। तब वो बूढ़ी माँ रोहित से कहती है कि हे पुत्र, जाते समय तुम
मेरी इन 8 बातों के लिए सुनते जाओ। ये 8 बातें बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। इस प्रकार से बूढ़ी माँ उस रोहित के लिए 8 बातें बताती है और उन 8 बातों को सुनकर के रोहित अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहित फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर के अपने घर पर पहुंचता है तो रोहित के छोटे छोटे बच्चे और रोहित की पत्नी रोहित के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे पिताजी, तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये सुनकर कर रोहित अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली के लिए थमा देता है और थैला देने के बाद में रोहित घर से बाहर निकल जाता है। उधर रोहित के जाने के बाद में रोहित की पत्नी जब उस थैला को खोल करके देखती है तो थैला के अंदर का नज़ारा देख करके वह एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला उस थैला में देखती है कि वो थैला पूरा जो भरा हुआ है वो सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहित की पत्नी अनार के लिए फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलने लगते हैं। जब आम के लिए काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठलियाँ निकलने लगती हैं। यह देख करके रोहित की पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ करके अपने पति के पास में पहुँचती है और अपने पति के पास पहुँच करके अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर के क्या आए हो। रोहित अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर के सोचने लगता है कि मेरे घरवाली के लिए शायद फल पसंद नहीं आए हैं, इसीलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर के आना चाहिए था। तब रोहित अपनी घरवाली से कहता है कि हे प्रिय, बहना ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने ला कर के तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसके लिए ही बच्चों के लिए बराबर बांट करके दे दो कि पहले तो तुम अपने घर पर तो चलो और घर पर चल कर के देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए आखिर भेजा है तो भेजा क्या है। ये कहकर के सुशीला अपने पति को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, जरा देखिए तो सही आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए भला क्या भेजा है। और यह कहकर के सुशीला रोहित के सामने थैला के लिए पलट देती है। थैला पलटते ही थैले के अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलने लगते हैं। सुशीला कहती है कि हे पियाजी, आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा रोहित देखता है तो वो समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण माँ नहीं थी, साधारण महिला नहीं थी, वो बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में रोहित अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ के लिए रोहित धन्यवाद देता है। दर्शक बंधु, इतनी कहानी सुनाने के बाद में इधर नीलकंठ थोड़ा सा आराम करता है। फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से रोहित के लिए जब बहुत सारा धन मिल जाता है तो रोहित पहले की तरह फिर से अमीर हो जाता है। कुछ समय बाद रोहित अपने बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छे से आलीशान महल का निर्माण करवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है और सभी नगर के लोग भी रोहित का ऐसा वैभव देख करके मान सम्मान देने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब रोहित का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तब एक दिन रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने अपने पिता के घर पर जाती हैं, इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद के लिए तुम यहाँ पर बुलाकर खिलाओ। इसी बहाने वो अपने पीहर घूम जाएंगी और इसी बहाने मैं भी अपनी ननद से मिल लूँगी। रोहित जब अपनी पत्नी की ऐसी बातों के लिए सुनता है तो रोहित अपने पत्नी के कहने पर फिर से अपने बहन की ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपने बहन की ससुराल पहुंच जाता है। फिर से एक बार रोहित अपने बहन के उसी दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। तभी उसी समय पर माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख करके दौड़ी दौड़ी माया के पास में जाती है और माया से कहती है कि हे माया, आज तो तेरा भाई आया है। अपने जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर के तब माया कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भी भाई नहीं है। दर्शकों, माया ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि माया इस बार भी अपने भाई के लिए भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि हे माया,
तुम्हारा भाई आज भिखारी की तरह नहीं आया है, बल्कि वो राजा और महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का राजा या महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे चार चार सैनिक लगे हुए हैं और तुम्हारे दरवाजे पर रथगाड़ी खड़ी हुई है। भला एक बार जाकर के तुम देखो तो सही। माया जब अपनी जेठानी के मुख से इन बातों के लिए सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई के लिए डुक्कर के देखने लगती है। जैसे ही माया ने अपने भाई के उस रूप के लिए निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके माया एकदम से चकित रह जाती है और सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था। पहनने के लिए सही तरीका से इनके पास में वस्त्र भी नहीं थे। फिर अचानक एकदम से आखिर उनका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद में रोहित की बहन माया आरती का थाल सजाती है और अपने भाई की आरती उतारने लगती है और उसके बाद में माया अपने भाई के लिए बड़े आदर पूर्वक अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया मुझे तुम क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट अर्थात परेशानी उठानी पड़ी है। अपने बहन के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहित कहने लगता है कि बहना कोई बात नहीं है, उस समय पर हमारे दिन कुछ ऐसे ही थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें तो पहले ही क्षमा कर दिया है बहन। अब तुम इन बातों के लिए छोड़ो और मेरे साथ में चलने की तुम तैयारी करो। हे बहन माया, मैं तुम्हें आज बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर पर चलना है। तुम्हारी भाभी ने मुझे बुलाने के लिए तुम्हारे यहाँ पर भेजा है। यह सुनकर के माया खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयारी करने लगती है और तैयार होकर के माया अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीका से जब रोहित की बहन माया अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देख करके एकदम से दंग रह जाती है। इधर माया देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेकों प्रकार के नौकर चाकर लगे हुए हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। माया अपने भाई की ऐसी शान शौकत को देख करके रोहित की बहन जो माया थी वो एकदम से हैरान रह जाती है। और इधर रोहित की घरवाली भी माया अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और स्वागत करती है, सारे दिन उसे अपने पलकों पर ही बिठा कर रखती है। रोहित की घरवाली सुशीला के लिए लगता था कि ये सब शान शौकत हमारी जो आज है वो हमारी ननद की वजह से ही है। अपनी ननद के मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं, क्योंकि मित्रों रोहित ने कभी भी अपनी पत्नी के लिए अपने आगे बढ़ने की सच्चाई ही नहीं बताई थी कि बल्कि यह सब माया की वजह से नहीं, बूढ़ी देवी माँ के आशीर्वाद से बल्कि ये सब हमें मिला है। क्योंकि मित्रों रोहित की पत्नी सुशीला इस क्योंकि दर्शकों रोहित की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी, वो अनजान थी। यह सोचकर कि सुशीला अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रोहित की बहन माया का ससुराल जाने का समय निश्चित हो जाता है तो रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, कल तुम्हारी बहन अपनी ससुराल के लिए चली जाएंगी, इसीलिए तुम बाजार के लिए जाओ और बाजार जाकर के अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर के आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहित घर से बाहर चला जाता है और रोहित एक मोची की दुकान पर पहुँचता है और मोची की दुकान पर पहुँच करके मोची से कहता है, हे भाई मोची, कि मुझे अपने बहना के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहना के लिए बोलने वाली जूती बनवा सकते हो? मोची कहता है कि सेठ जी, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा लेकिन उसके बनवाने की कीमत बहुत लगेगी। तब रोहित कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा लेकिन ऐसी जूतियाँ बनाओ उन जूतियों के लिए जब भी मेरी बहना पहने और उन्हें पहन करके जब भी वो चले तो वे जूतियाँ बारी बारी से इन आठ बातों के लिए बोले। इसके बाद में मोची के लिए रोहित वो ज्ञान की आठ बातें बताता है जो बातें बूढ़ी माँ ने रोहित के लिए चलते समय पर बताई थी। रोहित मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब वो ज्ञान की आठ बातें मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार से रोहित बारी बारी से वो आठ ज्ञान की बातें बताने लगता है। रोहित पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है कही, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदैव गरीब,
बिना कर्म के बदले नहीं, उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिश्राप, हासिल करके ज्ञान ही करो दूर अबाप। दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वो मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए रोहित कहने लगा कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब आठवां कदम रखे तो बेजूतियाँ बस यही बात बोलें कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रोहित मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी आठ बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बनवानी हैं, तुम ऐसी आठ बातें बोलने वाली जूतियाँ मेरी बहन के लिए आज बना कर दो। जब ये आठ बातें वो जूतियाँ बोलेंगी और जब मेरी बहन इन आठ बातों के लिए सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए था। तब लीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिये, इस प्रकार से रोहित उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियाँ बनवाता है और उन जूतियों को ला करके अपने बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को पाकर के माया का चेहरा एकदम से खिल जाता है। उसके बाद में माया अपने भाई से विदा लेकर के अपने ससुराल के लिए चली जाती है। इधर माया जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो माया की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं कि हे माया, तुम अपने भाई के घर से आई हो तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तो माया अपने देवरानी जेठानी सास ससुर भाइयों के लिए तो माया अपनी देवरानी और जेठानी और सास ससुर को भाई के द्वारा भेंट की गई जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी की हीरे मोती की जड़ी हुई जूतियां दी हैं। तब माया उन जूतियों के लिए पहनकर अपनी देवरानी और जेठानी के लिए दिखाने लगती है। जैसे ही माया उन जूतियों के लिए पहन करके चलती है तो जूतियाँ कहने लगती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब माया इस बात के लिए सुनती है तो उसका सर शर्म की वजह से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके माया एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती हैं, हे माया आखिर क्या हुआ, भला तुम अचानक से क्यों रोने लगी? तो माया अपनी देवरानी और जेठानी के लिए सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई से आखिर मैंने कितना भला बुरा कहा, मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया और देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियाँ बनवा करके दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो अब जीना नहीं चाहती। तभी माया की जेठानी और देवरानी समझाने लगती है कि हे माया, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जाने दो, अब आगे से याद रखना कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं, इसीलिए मेरी ये आठ बातें तुम सदैव ही याद रखना। और इस तरीका से माया की जेठानी माया के लिए आठ बातें बताने लगती है। माया की जेठानी पहली बात बताते हुए कहती है कि हे माया, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों के लिए बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन अर्थात गरीब हो जाता है। दूसरी बात है, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में भी देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती हैं। तीसरी बात है, जिस घर की स्त्रियाँ सूर्य अस्त के बाद में अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं या फिर चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार वाले लोग भी बहुत जल्दी ही गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार के लोग पैसों की कद्र नहीं करते हैं, वो बेफजूल के कार्यों में पैसे के लिए बर्बाद करते हैं, ऐसे घरों से भी रूठ करके माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से
दूसरे के मान प्रतिष्ठा के लिए ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों के लिए परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी विदा ले लेती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो नियमित नहीं रहते हैं अर्थात अपने कार्य के लिए कल पर टालते रहते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ करके दूर चली जाती हैं। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या फिर अपने से बड़ों से कटु वचन कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने मेहमान का आदर भाव सेवा सत्कार नहीं करते हैं या फिर अपने दरवाजे से किसी भिखारी के लिए खाली हाथ लौटाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर के दूर चली जाती हैं। इस प्रकार से माया की जेठानी माया के लिए आठ बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है कि हे बहन, मेरी इन आठ बातों के लिए तुम गांठ में बांध लेना। इधर लीलकंठ कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार से रोहित की बहन माया उन जूतियों की बातों के लिए सुनकर और अपनी जेठानी की बातें सुनकर एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर ना जाने कब किसके लिए गरीब बना दे और कब किसके लिए अमीर बना दे, इस बात का किसी के लिए पता नहीं चलता। उसके समझ में ये भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो दर्शक बंधु, ये थी आज की कहानी। आपके लिए कैसी लगी कृपया करके कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर समझाएं। यदि वीडियो आपके लिए पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में।